दोस्तों, टेक इनफॉर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 के डिवाइस में रूट को कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरा सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 का ये डिवाइस है, इसमें रूट को कैसे इंस्टॉल करना है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं सेटिंग में जाकर आपको ये कन्फर्म कर दे रहा है कि ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 का ही डिवाइस है। ये देखिए, अबाउट डिवाइस में यहाँ पर ये देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 4.4.2 है और ये इसका बेसबैंड वर्जन ये देख सकते हैं आप। तो ये मतलब मेरा कोर 2 का डिवाइस है, ये देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन पे। मैं आपको टैप करके बता दे रहा, ये एंड्रॉयड 4.4.2 पे बेस्ड है। तो इसी में मैं आपको बताऊँगा कि रूट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो रूट को इंस्टॉल करने के लिए पहले मैं एक चीज़ चेक करना रहता है कि आपका डिवाइस पहले से रूट तो नहीं है कोई। तो ये देख सकते हैं कि रूट को मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा, ये देखिए। तो अभी ये ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वेरीफाई रूट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये वेरीफाई रूट, इसी पे आपको टैप करके एक बार चेक करना है कि आपके डिवाइस रूट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट एक्सेस इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस, ये लिखा है। ये मतलब कि मेरा डिवाइस अभी रूट नहीं है। तो इसको मतलब कैसे रूट करना है वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको एक जिप फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका कि लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस जिप फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसे रिकवरी में बूट करना रहता है। तो वही उसी तरह से आपका मतलब ये जो सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 का डिवाइस है ये रूट हो जाएगा। तो वो जिप फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं उस जिप फाइल को आपको दिखा दे रहा, मैंने उसे एसडी कार्ड में रखा है। आपको भी एसडी कार्ड ही में रखना है, क्योंकि वो एसडी कार्ड में नहीं रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा इंस्टॉल आपका रूट इसमें। तो ये देख सकते हैं, ये सुपर एसयू बाई आरडी ये जिप फाइल है, यही आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसे अपने एसडी कार्ड में रखिएगा, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज में रखेंगे तो नहीं होगा, तब आपको एक लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैं आपको बताऊंगा कि बिना पीसी या लैपटॉप के कैसे इसको इंस्टॉल करना है रूट को। तो इंस्टॉल करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आपको अपना डिवाइस को पावर ऑफ़ करना है, तो पावर ऑफ़ कर दीजिए और ये जब तक वाइब्रेट ना हो जाए तब तक इसको वैसे ही ऐसे रखे रहिए। तो ये वाइब्रेट हो गया, तो अब ये देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन फाइनली मतलब पूरी तरीके से ये बंद हो चुका है अभी। तो अब इसको रिस्टार्ट करना है, लेकिन इसको रिकवरी में रिस्टार्ट करना है। जैसे कि रिकवरी में जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर बटन है ये आपको प्रेस करना रहता है, ये पावर बटन और ये वॉल्यूम अप बटन, ये जो वॉल्यूम अप बटन है ये आपको प्रेस करना है, और ये वहाँ ये देख सकते हैं होम बटन जो है ये आपको प्रेस करना रहा, तीनों को एक साथ ही प्रेस करना रहेगा। तो चलिए प्रेस करते हैं, पहले वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन और ये होम बटन, तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, तीनों को एक साथ प्रेस किए हैं। तो इसको तब तक प्रेस किए रहिए जब तक ये फिर से एक बार रिबूट ना आ जाए। देखिए अभी फिर से एक बार आएगा, हाँ। तो अब इसको 2 सेकंड तक ऐसे होल्ड किए रहिए और फिर छोड़ दीजिए। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो अभी फाइनली 1 मिनट, इसको 2 सेकंड तक नहीं, कम 3-4 सेकंड तक आप होल्ड किए रहिए। तो ये देख सकते हैं खुल गया है, रीबूट सिस्टम नाउ यहाँ पर आप लिखा है, एक अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB लिखा है, और फिर वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट लिखा है, और ये देख सकते हैं वाइप कैच पार्टीशन और अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज, और ऐसे ये नीचे अप्लाई अपडेट फ्रॉम कैच। तो आपको मैं पहले बता दे रहा कि वॉल्यूम डाउन बटन से ये नीचे आएगा, ऐसे वॉल्यूम डाउन बटन आप प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, और वॉल्यूम अप बटन से ऊपर, और ये पावर बटन से सेलेक्ट होगा। तो मैंने एक्सटर्नल स्टोरेज में मतलब एसडी कार्ड में अपने फाइल को रखा है, वो जिप फाइल को, जिससे कि ये रूट होगा। तो मैं इस पर लेते आता हूँ, ये देखिए जो ब्लू लाइन की ये जो मतलब ये पट्टी है यहाँ पर, इसको लानी है, और इस पर लाने के बाद एक्सटर्नल स्टोरेज पर फिर आपको पावर बटन प्रेस करना है। तो पावर बटन प्रेस करते हैं, और अब देखिए पूछ रहा है आपने कहाँ रखा था। तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 एक ये फोल्डर बनाया था, इसमें फिर आपको एंटर ये करने के लिए पावर बटन जाना है। इसमें मैंने ये देख सकते हैं जो सुपर एसयू बाई आरडी ये जिप फाइल यहाँ रखी है, तो ये फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से पावर बटन से करके इसमें ओपन करना है। तो देखिए ये हो रहा है, अभी ये रूटिंग स्टार्ट हो रहा है ये प्रोसेस। तो ये अभी रूट हो रहा है ये डिवाइस,
तो कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये रूट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी लेटेस्ट और हेल्पफुल वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना यार कि कैसा लग रहा है वीडियो। तो अभी जब तक ये रूट हो रहा है तब तक वेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कुछ डिवाइस की लॉक को तोड़ रहा है ऐसे मतलब। तो फाइनली अब देखिए अपने आप ही रिबूट हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, अपने आप ही रिबूट हो रहा है। अब देख सकते हैं कि मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि रूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए ऑप्टिमाइजिंग ऐप आ रहा है। हाँ तो फाइनली देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा अब डिवाइस ये रूट हो चुका है। मैं आपको प्रूफ कर दे रहा है यहाँ पर, पहले ये पैटर्न को अनलॉक किया और फिर यहाँ से ये जो रूट चेकर बेसिक की जो मैंने ऐप डाउनलोड किया था इसमें जाकर मैं आपको दिखा दे रहा कि ये डिवाइस रूट हुआ है कि नहीं। फिलहाल अभी इसको एक परमिशन देना रहता है। तो ये देख सकते हैं वेरीफाई रूट एक्सेस पे अभी क्लिक करने पे, अभी पहले आपको दिखा दे रहा फिर मैं बताऊंगा। ये देखिए अभी ये सर्च सर्च लेगा, इसको पहले ही परमिशन देना रहता है दोस्तों। मैं आपको पहले ऐसे दिखा दे रहा, ये देखिए वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। देखिए अभी रूट का ऑप्शन नहीं देगा, अभी देखना इसको परमिशन देना रहता है। वैसे आपका डिवाइस रूट हो चुका है लेकिन इस एप्लीकेशन में शो कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा। तो ये फाइनली अभी देख सकते हैं, देखिए लिखा रहा है सॉरी रूट। तो अब देखना है कि कैसे रूट होगा ये, मतलब वो रूट हो चुका है आपका डिवाइस, बस आपको इसको परमिशन देना है कि ये मतलब रूट चेकर बेसिक जो ऐप है इसको मतलब शो कर दे कि ये रूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्लोज करते ये ग्रैंट का परमिशन आ गया, तो ये ग्रैंट कर दीजिए। यहाँ से जब ये ग्रैंट करेंगे तो ये देखिए तब वो ग्रैंट हो चुका है परमिशन। और फिर यहाँ से देखिए रूट चेकर बेसिक अब ओपन करते हैं, तो अब फाइनली ये दिखाएगा कि रूट आपका डिवाइस हो चुका है, इसमें भी शो करेगा। तो अब यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं एक बार ये आ गया वेरीफाई रूट एक्सेस। तो यहाँ से मैं इसको वेरीफाई रूट करता हूँ, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ और फाइनली देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस अब रूट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि डिवाइस रूट हो चुका है। तो दोस्तों रूट की मदद से मैं बता दे रहा क्या क्या होता है, जैसे कि आप अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, चेंजेस में उसमें आप इसकी लुक को बदल सकते हैं, जैसे कि कोई दूसरा कस्टम रोम इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि सैमसंग का डिवाइस है इसमें मैंने जैसे एप्पल का रोम भर दिया तो अब ये एप्पल के जैसा जितना भी फंक्शन होगा डिवाइस में वो वर्क करेगा। तो इस तरह से ये आप इसमें सिस्टम में चेंजेस करके मतलब एक ही सिस्टम को ना यूज़ करके आप तरह तरह के भी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं बता दे रहा कि इसके जो मिसयूजेस भी, जैसे कि जो ये जैसे कि अगर इसका सिक्योरिटी पैच होता है वो आप मतलब ख़त्म हो जाता है, वारंटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, वारंटी ख़त्म हो रही है तो क्या आप फर्मवेयर डाउनलोड करके आप फिर से ये ला सकते हैं। वैसे रूट करना अच्छा ही है एक तरह से, इसकी कोई वो बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आपका मोबाइल जो सिक्योरिटी होता है वो टूट जाता है, जैसे कि कोई भी हैक कर सकता है आपके मोबाइल को, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने सिस्टम में अगर हर चीज़ प्राइवेट जैसे अपने तक ही रखें तो अच्छा रहेगा, जैसे कि अगर पासवर्ड अगर आप रख रहे हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा कि जैसे अगर आपको पासवर्ड ही किसी से बताना है तो आप पासवर्ड को दो तीन तरीके से बताएं, जैसे कि अगर आपका पासवर्ड अगर 1 2 3 4 है तो आप 1 2 एक जगह लिख के किसी को बता दें और 3 4 कहीं और बता दें। इसी तरह से ये भी होता है कि मतलब आप अगर कहीं रखे हैं इस फाइल को तो आप आधा फाइल कहीं और रखें और आधा कहीं और, इससे आपके लिए सिक्योर होता है कि कोई भी अगर हैकर चाहे तो उसको नहीं पा सकता है। थोड़ा उसको अगर ज़्यादा एकदम उसमें माइंड लगाएगा तो पा ही जाएगा, लेकिन उतना कोई लगाएगा नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना ऐसी लेटेस्ट और हेल्पफुल वीडियो की जानकारी के लिए। और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपने अपने मोबाइल को रूट किया है कि नहीं किया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।